पान सिंह तोमर की सक्सेस के बाद अब तिग्मांशु धूलिया बनाने जा रहे हैं एक और रियल लाइफ कैरेक्टर बेगम जोआना नोबिलिस सोमरे आका बेगम समरू पर एक बायोपिक। और इस बायोपिक में तिग्मांशु ने बेगम समरू के रोल के लिए रानी मुखर्जी को साइन किया है। सुनने में आया है कि तिग्मांशु ने लास्ट वीक जुहू में रानी के ऑफिस में उनसे मुलाकात की और उन्हें इस रोल के लिए कन्विंस कर लिया। दरअसल रानी अपनी कुछ फिल्मों में ऐसे कैरेक्टर्स बखूबी प्ले कर चुकी हैं और शायद तिग्मांशु ने इसी वजह से बेगम समरू के रोल के लिए रानी को कास्ट करने का फैसला किया है। वेल, अब देखना यह है कि अक्सर कॉन्ट्रोवर्शियल कैरेक्टर्स पर फिल्में बनाने वाले तिग्मांशु इस फिल्म में कौन सी नई कॉन्ट्रोवर्सी खड़ी करते हैं और रानी मुखर्जी बेगम समरू के रोल के साथ कितना जस्टिस कर पाती है।